दोस्तों आज से 28 दिन पहले एक शख्स मुझसे मिलने के लिए मुंबई से आता है अलीगढ़, जिनका नाम था अंकुश राजभर। वो मुंबई में बॉलीवुड हीरो हीरोइन के उनके घर के वीडियो शूट करके फेसबुक पर अपलोड करते हैं और फेसबुक पर जो उनका पेज का नाम है वो है अंकुश राजभर व्लॉग। ये 8 महीने से इतना ज्यादा परेशान थे, इनका इंडस्ट्री मैच चालू नहीं हो रहा था, उस पर कॉन्टेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ रहा था। ये काफी क्रिएटर से मिले, उनके घर पे गए, उनसे फोन पे बात की, लेकिन ये प्रॉब्लम इनकी दूर नहीं हुई। तो आपने ये वाले वीडियो में देखा होगा कि मैंने इनको बताया कि इनको क्या करना है और ये प्रॉब्लम इनकी दूर हो चुकी है। इनका फेसबुक का जो पेज था वो मोनेटाइज हो चुका है और ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो इन्होंने एक वीडियो भेजा है, तो आप पहले वो वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश राजभर और मेरा एक फेसबुक पे पेज है जिसका नाम अंकुश राजभर ब्लॉग्स। और भाई उस पेज पे मैं मुंबई की वीडियो डालता हूँ, जैसे बड़े बड़े एक्टर हो गए उनके घर का वीडियो और उनका वीडियो और मुंबई में फेमस फेमस प्लेस का वीडियो डालता हूँ। और उस पेज पे मेरे यहाँ से 7 से 8 महीने पहले उस पेज पे कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी इशू आया हुआ था, जो कि भाई जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मैं यूट्यूब पे सारी वीडियो देख लिया, बड़े बड़े क्रिएटर का वीडियो देखा, मैंने छोटे छोटे क्रिएटर का भी वीडियो देखा, और देख देख कर मैं लगभग 6 से 7 महीने से पूरी तरह से थक चुका था कि भाई उसका सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा था। और लाइव की बात करें, जो आप लोग बोलते हो, बड़े बड़े क्रिएटर आप लोग को बोलते कि भाई लाइव करो लाइव करो, लाइव करने से कुछ भी नहीं होता भाई। लाइव करके मैं लगभग मेरे पेज पे, अगर आप लोग अभी भी रिसेंट की टाइम की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग जाके देखेंगे 30 से 35 मैं लाइव कर चुका हूँ। मगर इससे पहले की जो बात करूँ, जो मैंने लाइव डिलीट किया उसके पहले मैंने लगभग 70 से 80 लाइव कर चुका था। और फाइनली मैं फेसबुक को छोड़ने ही वाला था कि भाई अब मेरा यहाँ कुछ होने वाला नहीं। तो मेरे सामने एक वीडियो आता है हमारे बबलू राघव सर जी का, जो कि भाई उनकी वजह से आज मेरा फेसबुक पेज मोनेटाइज हो चुका है फाइनली। और भाई उनकी वीडियो मैंने देखा और उनका गूगल फॉर्म जो है, उनका गूगल फॉर्म मैंने भरा और फाइनली मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम ली और उन्होंने कहा कि ठीक है सही हो जाएगा। और मैं उनसे मिलने के लिए अलीगढ़ भी गया और वहाँ पे आप लोग उनके पेज पे देखेंगे, मेरा वीडियो उनके पेज पे है भाई। और उन्होंने मुझे गाइड किया कि देखो ऐसे ऐसे आपको काम करना है भाई। ये सब हुआ हमारे बबलू राघव सर की वजह से, थैंक यू सो मच बबलू राघव सर। और अगर आप लोग भी इनके बताए हुए स्टेप को फॉलो करेंगे तो भाई 100% आपका जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है 100% सॉल्व होगा भाई। क्योंकि मैं बड़ा चढ़ा के कोई भी बात नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को यकीन ना हो तो आप लोग एक बार इनका गूगल फॉर्म भरो और इनसे बात करो भाई। इतना अच्छा गाइड करते हैं, एक बड़े भाई की तरह गाइड आपको करेंगे और आप लोग अगर इनसे नॉलेजेबल बात भी पूछेंगे और वो भी आपको यहाँ बताएंगे। सो थैंक यू सो मच राघव सर, और मैं राघव सर से मिलने भी जाऊँगा फिर से अलीगढ़ और प्रॉपर उनके पेज पर मेरा यह वीडियो आएगा। सो थैंक यू सो मच राघव सर, आपकी वजह से आज मेरा सपना पूरा हुआ कि मेरा फेसबुक पेज मोनेटाइज हो गया, नहीं तो मैं तो हार ही चुका था। थैंक यू सो मच। अगर ये प्रॉब्लम आपको आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो पहली चीज तो आपको लाइव नहीं आना है, ये चीज आप याद रखिएगा। ये जो है पर डे लाइव आते थे, पर डे 6 से 7 मिनट तक, और भाई एक आध बार लाइव नहीं आई, 3 महीने तक लगातार लाइव आए, लेकिन ये प्रॉब्लम इनकी फिर भी दूर नहीं हुई थी। तो मैंने इनसे लाइव बंद करवाया था कि आपको लाइव नहीं आना है। जो इनका पहला पार्ट था, जो मैंने पहले जब ये आए थे मेरे पास अलीगढ़, तो मैंने जो वीडियो इनका शूट किया था, तो आप वो वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको क्लिकबेट थंबनेल हटाने हैं, जो आप हैशटैग इस्तेमाल करने हैं वो हैशटैग भी आपको देखने हैं कि आपने कोई ऐसा हैशटैग तो नहीं लगा दिया जिसमें जल्दी मतलब पैसे कमाने का तरीका हो। तो ऐसे हैशटैग पर आपको ध्यान देना है जो मैंने इस वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को, और आपको लाइव नहीं आना है, ये चीज आपको याद रखिए। देखिए कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो रहता है ना, वो आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देने के लिए है, ना कि लाइव आने के लिए है। तो आपको पहले अपने कंटेंट पे ध्यान देना है कि आपका जो कंटेंट है उसके टाइटल क्या है, उसका थंबनेल क्या है और उसका हैशटैग क्या है, इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए लाइव मत आइएगा, और इसमें आपको जिन वीडियो पर आपने गाना लगा रखा हो उन वीडियो को आप डिलीट कीजिए। और देखिए कोशिश कीजिए जब तक आपका इन स्ट्रीमर चालू ना हो तो आप जो लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो 3 मिनट से कम के ना हो। जब आपका मोनेटाइज हो जाए फिर आप 1.5 मिनट का डालिए, 1 मिनट 5 सेकंड का डालिए, इन पर अच्छी खासी अर्निंग होती है। लेकिन जब तक आपका मोनेटाइज नहीं होता है तब तक आप 3 मिनट का वीडियो डालिए। आप कोशिश कीजिए कि 3 मिनट से कम का वीडियो आपका ना हो, और किसी भी वीडियो में आपका गाना ना हो, और आपके जो टाइटल हैं, जो आपके थंबनेल हैं और जो आपके हैशटैग हैं वो क्लिकबेट नहीं होने चाहिए। तो इन भाई के मैंने सारे थंबनेल हटवा दिए थे जो ये हैशटैग इस्तेमाल करते थे। इनके कुछ ऐसे हैशटैग थे जो कि खुद समझ गए थे कि ये मेरे को पहले हटाने हैं, क्योंकि जैसे कुछ हैशटैग थे जो कि मैं आपको बता देता हूँ, करोड़पति, घर बैठे बने करोड़पति, तो इस टाइप के जो इनके हैशटैग थे वो इन्होंने रिमूव किए थे, हमने वो रिमूव कराए। फिर उसके बाद जो है इनको 18 जून को फिर इनको सेटअप मिला था, और जब इन्होंने सेटअप किया तो अब इनका जो है फेसबुक का पेज मोनेटाइज हो चुका है, और पर डे की जो इनकम है ना वो भी अच्छी खासी हो रही है। तो आप इनका फर्स्ट वाला वीडियो देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल टैग राघव पे पड़ा हुआ है, तो आप वो देखेंगे तो आप पूरा कहानी समझ जाएंगे कॉन्टेंट मोनेटाइज
मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ रहा है तो वो आपकी कंटेंट की वजह से आ रहा है, ये आप याद रखिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।